गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हो गई गुड मॉर्निंग। तो चलो करते हैं नाश्ता, और नाश्ता बन गया है, बिल्कुल रेडी है, बन गया है सूजी का हलवा और ये है भजिया। आज के नाश्ते में यही सब कुछ था, तो बस आज बहुत सारा काम था तो हमने कहा जल्दी से नाश्ता पानी बना लिया जाए, और इसके बाद बनाएंगे आम का अचार, जो कि आपके साथ पूरी फुल वीडियो उसकी अपलोड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि चलिए कैसे बनाते हैं हम आम का अचार। ये हो गया पूरा, देखिए रेडी है नाश्ता, आप भी करिए। ये गार्निशिंग इसके साथ मेवे का हलवा और भजिया तैयार है, आइए आप भी नाश्ता करिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलो चलते हैं बनाते हैं आम का अचार। तो ये देखिए आम आ गए थे, और गर्मियों के मौसम में आम तो आते ही हैं, और खट्टे खट्टे आम देखकर मुंह में तो पानी बनता ही है। तो चलो देख बनाते हैं आम का अचार, और ये आम का अचार बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है, सभी को पसंद आता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर के सभी फैमिली मेम्बर को आम का अचार ये वाला काफ़ी टेस्टी लगता है, इसलिए हमने कहा क्यों ना आपकी ये वाला आम का अचार डाला जाए, क्योंकि आम भी काफ़ी बड़े बड़े आए थे। तो बस इसका प्रोसेस यही है कि इसको सिंपली छील के घिस लिया जाता है, और घिसने के बाद इसमें सारा इंग्रेडिएंट डाल दिया जाता है जो कि सिंपल आम के अचार में पड़ता है। बस ऐसे ही है, इसको मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद धूप पे रख दें। बस इसका मसाला ये तैयार कर लिया हमने, देखिए मसाला रोस्ट कर लेंगे। मसाला रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। बस पीसने के बाद ये देखिए ढेर सारी लाल मिर्ची, देखिए ये गलते सारे मसाले को हमने रोस्ट करके मिक्सी के जार में पीस लिया। और ये चना जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके बिना तो ये अचार इम्पॉसिबल है। तो बस ये चना को हमने फुलो लिया था रात भर, ओवरनाइट फुलो होने के बाद इसको धूप में रख दिए। बस धूप में रखने के बाद इसको ऐसे ही गलते हैं, जब इसका पानी पूरा ख़त्म हो गया और ये सूख गया बिल्कुल, तो बस पूरे मसाले और चने को ऐड कर दिए। और ये डाला हमको अचार का मेन पार्ट जो होता है लहसुन, इसके बिना तो अचार में टेस्ट ही नहीं आ सकता। ये देखिए सारे अचार को ऐसे आम को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके एक डब्बे में भर देंगे। बस सिंपली आम का अचार रेडी हो गया। आप सब ट्राई करिए और टेस्ट करके बताइए कि ये सब कैसा बना है। ये देखिए ये डब्बे में पूरा हमने इसको भर दिया, इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस ऐसे आप भी बनाइए और ट्राई करिए। ये देखिए ऊपर से तेल तो बहुत ज़रूरी है, अचार है तो तेल तो बनता ही है।